नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव तुषांशु पांडे और आज हम बात करने वाले हैं एलजेब्रा या फिर बीजगणित के इस तीसरे वीडियो में। देखिए, बात यह है कि इससे पहले भी हम लोगों ने दो अलग अलग वीडियो में और एक छोटे से एडिशनल वीडियो में एलजेब्रा से रिलेटेड बहुत सारे सवाल देखे थे, लेकिन क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा टॉपिक है, इसमें बहुत सारे ऐसे पैटर्न्स होते हैं जिनके ऊपर हमें सवाल सीखने भी पड़ेंगे और करने भी पड़ेंगे, इसलिए मैं अभी इस तीसरे वीडियो के साथ और बाद में फ्यूचर में और भी किसी वीडियो के साथ में, मतलब और भी इसमें इस सीरीज़ में वीडियोस चलते रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ फार्मूलाज। मैं चाहूँगा कि ये फार्मूलाज आप याद भी रखें और इनको यूज़ करने के लिए बहुत सारे सवाल बनाए भी, ताकि ये फार्मूलाज आपके दिमाग में बैठे हुए हों। तो चलिए हम देखते हैं इन्हीं के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। हमारा पहला क्वेश्चन है ये। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि अगर मैं 0.6 को मान लूँ कि ये ए है, तो यहाँ तीन बार ए का मल्टीप्लिकेशन हुआ है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ए की पावर 3 है। इसी तरीके से अगर मैंने मान लिया कि 0.05 बी है हमारा, तो यहाँ पर फिर से बी का तीन बार मल्टीप्लिकेशन है, तो ये माइनस में हमारे पास हो गया बी का पावर 3। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ है हमारे पास में ए का स्क्वायर, फिर है प्लस में ए बी और फिर है बी का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फार्मूला है इसको एक्सपेंड करेंगे और हमको मिलता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में मिलता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में भी हमको क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो जो चीज़ें ऊपर और नीचे कट जाती हैं हम उन चीज़ों को काटेंगे और अब हमारे पास में आंसर आया ए माइनस बी। अगर मैं ये वैल्यूज डाल के देखूं तो मुझे मिलेगा क्या, 0.06 माइनस 0.05 और आंसर हमारा मिल गया 0.01, तो डी मेरा करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, अब इसके बाद में हम देखेंगे अगला सवाल, और यहाँ अगले सवाल में भी हमारे पास में सिमिलर पैटर्न है, बस यहाँ पर पॉजिटिव साइन है। तो अब हमारे पास हो गया ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 और डिवाइडेड बाय में हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, मैं डायरेक्टली ए प्लस बी कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी हमने इसे एक बार एक्सपेंड करके देख लेना चाहिए। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ नीचे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जो चीज़ें कटती हैं, मतलब ये और ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास में वैल्यू आई ए प्लस बी, मतलब क्या है 185 और 15, आंसर आएगा 200, जो कि मेरा ऑप्शन बी है। देखिए, हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सवाल जिसको हम किसी ट्रिक से या किसी फार्मूला से किसी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ऑलरेडी हम लोगों ने एक या दो मिनट का सवाल 30 सेकंड तक ले आया है। अब इस सवाल को मैं अगर एलजेब्रिक, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन, इन सारी गलतियों के कारण अगर ये सवाल मैं गलत करके आता हूँ तो ये बहुत बुरी बात होगी। इसलिए फिर से मैं आपको यही सजेशन दूंगा कि जब भी आप इस तरीके से सवाल हल कर रहे हैं तो यहाँ जल्दबाजी बिल्कुल ना करें भाई। हम अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए 25 तक के पहाड़े या 30 तक के पहाड़े, ये सारी चीज़ें अच्छी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हड़बड़ी इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है 24.9 और 5.1 का वर्ग, मतलब यहाँ पर हमको मिलता है a प्लस बी का वर्ग और यहाँ प्लस में मिलता है a माइनस बी का वर्ग। ठीक है, और नीचे हमको मिलता है a का वर्ग धन b का वर्ग। अब ये सवाल कैसे सॉल्व किया जाए, तो हम देखते हैं a का वर्ग धन b का वर्ग क्या होता है। a का वर्ग धन b का वर्ग होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, और हमको नीचे क्या मिला हुआ है, नीचे मिला है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब जो जो चीज़ें एक दूसरे को कैंसल आउट कर रही हैं,
उन चीज़ों को हम यहाँ से एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर एलिमिनेट की जाने वाली चीज़ों में हमारे पास क्या है, प्लस टू ए बी है और माइनस टू ए बी, ये चल गया। अब यहाँ देखिए ये हो जाएगा टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये जो चीज़ें कटती हैं हम काट देंगे और हमारा आंसर क्या आया, टू। मैं चाहूँगा कि आप ये प्रश्न एक बार फिर से देखें और जब भी आपको इस तरीके से कोई भी प्रश्न आएगा उसका हर बार आपको आंसर क्या मिलता है, टू मिलता है, ठीक है। तो इसको ट्रिक के द्वारा मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन का आंसर टू है ये तो जान सकता हूँ, लेकिन ऐसा क्यों हुआ ये मैकेनिज्म समझना भी ज़रूरी है, इसलिए हम ये मैकेनिज्म समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है ये। अब यहाँ प्रॉब्लम नज़र आ रही मुझे, और अगर मैं ये प्रॉब्लम समझने की कोशिश करूँ तो देखिए यहाँ पर 14.9 है और यहाँ 1.49 है, मतलब ये एक जैसी चीज़ नहीं है। उसी तरीके से यहाँ पर 5.1 है और यहाँ 0.51 है, तो मतलब ये भी दोनों चीज़ें सही नहीं है। अच्छा, हम दशमलव कैसे लगाते हैं ये देखिए, अगर मैं 14.9 बोलूँ तो मैं इसको 14 149/10 लिख सकता हूँ, लेकिन अगर मैं 1.49 बोलूँ तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, 149/100 लिखना पड़ेगा। ये कैसे हुआ, तो मैंने ये पॉइंट उठाया और इस पॉइंट के बदले यहाँ 1 लिखा और इसके बाद में जितने भी नंबर हैं उतने 0 लगा दिए, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 नंबर हैं और यहाँ दशमलव के बाद 1 नंबर है, इसलिए ये बना 149/10 लेकिन ये बन गया 149/100। अब अगर मुझे ये दोनों अंक बराबर बनाने हैं तो यहाँ मुझे गुणा करना पड़ेगा 10 का, फिर ये बन जाएगा 149/100। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ ऊपर भी 10 और नीचे भी 10 का गुणा करूँगा। अब देखिए यहाँ पर भी सेम केस है, लेकिन ये ब्रैकेट लगाने के बाद में ये 10 का गुणा एक बार यहाँ पर भी होगा और 10 का गुणा एक बार यहाँ पर भी होगा, क्योंकि हम क्या देखते हैं, ए और ब्रैकेट में बी प्लस सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस ए सी, सहचर का नियम। तो इस तरीके से ये दोनों चीज़ें यहाँ आएगी और अब हो जाएगा ये 14.9 का स्क्वायर माइनस 5.1 का स्क्वायर, बटे में है 14.9 माइनस 5.1, और क्योंकि हम लोगों ने ऊपर और नीचे दोनों जगह 10 मल्टीप्लाई किया था, ऊपर वाला 10 अंदर घुस गया, तो ये बटा 10 है बटा 10 है, तो ये 1/10 यहाँ रहेगा। हमको यहाँ क्या दिख रहा है, हमको यहाँ दिख रहा है a का वर्ग ऋण b का वर्ग बटा a ऋण b, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो हमको मिलेगा a प्लस b, a माइनस b और बटे में मिलेगा a माइनस b। जो चीज़ें कटती हैं हम वो काट देंगे, लेकिन ये इस 1/10 को नहीं भूलेंगे। तो अब हमारे पास में हो गया 14.9 14.9 प्लस 5.1 और पूरे का बटा 10, ये हो जाएगा 20/10 जिसका आंसर होगा 2। तो हमारा डी करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली चीज़ देखते हैं हमारे अगले सवाल में। तो अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है ये, यहाँ देखिए यहाँ 0.2 का a का क्यूब नज़र आ रहा है और यहाँ पर प्लस में b का क्यूब नज़र आ रहा है। नीचे क्या है यहाँ, अब देखिए यहाँ पर भी अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा 0.4। इसी तरीके से मैं इस जगह में 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो ये भी बन जाएगा 0.4, और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये भी बन जाएगा 0.4, मतलब ऊपर और नीचे की संख्या बराबर हो गई। इसी तरीके से यहाँ अगर मैं 2 का गुणा कर दूँ तो मुझे मिलेगा 0.08। उसी तरीके से यहाँ पर भी मुझे 2 का गुणा करने से मिलेगा 0.08, और यहाँ पर भी 2 का गुणा करने से मुझे क्या मिलेगा, 0.08। तो कुल मिला के यहाँ प्लस साइन के पहले कितने 2 मैंने मल्टीप्लाई किए, एक बार, दो बार, तीन बार, मतलब यहाँ मैं लिखूँ 2 गुणा 2 गुणा 2
और उसके बाद में इन संख्याओं को लिखूं, तो क्योंकि 8 बाहर है इसलिए पूरे में गुणा हो जाएगा। अगर मैंने ऊपर 8 गुणा किया है तो नीचे भी 8 गुणा करना पड़ेगा, और इस प्रकार अब ऊपर और नीचे मुझे बराबर संख्याएं मिलती हैं। देखिए 0.08 गुणा 0.08 गुणा 0.08 और 1/8 मेरे पास एक्स्ट्रा बच जाता है। ये पूरा का पूरा आपस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और मुझे क्या मिला, 1/8, जो कि मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन डी। अब यहां पर एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं बोलता हूं ए बी प्लस सी तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी, ठीक है, ये चीज बिल्कुल सही है। लेकिन अगर मैंने यहां 2 × 2 × 2 ये लिखा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है 4 × 4 × 4, तो अब क्या करना पड़ेगा, हर इस दो के साथ में मुझे 2 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। किस लिए, ताकि मैं 4 × 4 × 4 / 4 × 4 × 4, मतलब अगर ये ऑलरेडी गुणे में है तो जो है मैं बाहर ब्रैकेट के बाहर एक बार ए लगा देता हूँ तो ये एक ही बार मल्टीप्लाई होगा, 3 बार मल्टीप्लाई नहीं होगा। अगर यहाँ प्लस साइन होता तो ये 3 बार मल्टीप्लाई होता, मतलब हर एक टर्म के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, क्योंकि यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, इसलिए ये एक ही बार अंदर जाकर गुणा होगा, इसलिए यहाँ मुझे 8 मल्टीप्लाई करना पड़ा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगले प्रश्न में हम देखते हैं यहाँ है ए का वर्ग, यहाँ है ए बी और यहाँ है बी का वर्ग, ठीक है, और यहाँ मुझे मिलता है 1^3 ऋण b^3। तो मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि a ऋण b और a का वर्ग धन ab धन b का वर्ग, ये किसका है, 1^3 ऋण b^3 इसका, और ऊपर में मुझे a का वर्ग धन ab धन b का वर्ग मिला हुआ है। अगर मैं ऊपर और नीचे की चीज़ें काट दूं तो फिर ये दोनों चीज़ें कट जाएंगी और मुझे मिलता है 1/a ऋण b, a का मान 137 है और b का मान है 133, मतलब मुझे मिलता है 4 और यहाँ मिलेगा 1/4, जो कि मेरा सही उत्तर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें सही में समझ में आ रही हैं और अच्छी भी लग रही हैं, तो फिर एक बार जल्दी से आप लाइक का बटन दबाइए, और अभी तक अगर आप फोटोन परिवार का हिस्सा नहीं है, अगर आप हमसे जुड़े हुए नहीं हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब क्या है, अब यहाँ पर थोड़ा सा चिंता का विषय, वैसे तो नहीं लेकिन फिर भी, अब देखिए कि यहाँ पर 1^3 और b^3 का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए कि कैसे। मैं ये लिख सकता हूँ कि 5 का जो घन होता है वो 125 होता है। अब देखिए अगर मैं 5/10 लूँ तो ये हो जाएगा 125/1000, ठीक है, और इसको मैं लिख सकता हूँ 0.125, ठीक है। तो उसी तरीके से अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, ये है 0.5 का घन और ये है 0.3 का घन और यहाँ मिलता है मुझे 0.5 का वर्ग, तो ये हो जाएगा 1/(b^1)/a^(ab)/b^2। और फिर से हमारे पास ऑप्शन है a+b² - ab + b² और नीचे मिल जाएगा मुझे a² - ab + b², जो चीज़ें कटती हैं वो चीज़ें हम काटेंगे बिल्कुल, और ये दोनों चीज़ें कट गई, बचा a+b और इसका मान हो जाएगा 0.8, तो इस बार भी ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है
एक ही घात दो धन। नहीं, अब यहां पर भी देखिए, यहां पर 0.05 का वर्ग है और यहां पर 0.005 का वर्ग है, मतलब 0.05 में अगर मैं 10 का बटा कर दूं तो ये हो जाएगा 0.005। ठीक है, तो इसलिए यहां पर मैं 1/100 करूंगा। क्यों? क्योंकि यहां पर वर्ग है और वर्ग का मतलब 0.05 दो बार गुणा हुआ है, तो मतलब मुझे भी यहां दो बार 10 का भाग देना पड़ेगा, तब मुझे इसका वर्ग मिलेगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है जब मैं यहां बड़ा ब्रैकेट लगाता हूं तो यही सारी चीजें अंदर गुणा होती जाती हैं। और इस प्रकार ये दोनों संख्याएं कौन सी दोनों संख्याएं? ये दोनों संख्याएं, ये वाली और ये वाली दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी। उसी तरीके से ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी और ये दोनों संख्याएं बराबर हो जाएंगी, फिर आपस में कट जाएंगी, तो मुझे मिलेगा 1/100 और ये मेरा सही उत्तर होना चाहिए जो कि यहां नहीं है। इसलिए नोटा मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और हमारा अगला प्रश्न है ये। अब देखिए यहां पर क्या है, यहां पर आपको दिख रहा है 1 की घात 3 धन, ये वाला दिख रहा है आपको b की घात 3 धन। यहां देखिए तो यहां है 3ab, एक चीज मिसिंग है। अब वो ये है कि अगर ये a+b होता तो मैं इन पूरी चीज को मिला के a धन b पूरे की घात 3 बोल सकता था, लेकिन a+b नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। अब यहाँ देखते हैं कि a धन b क्या होता है। तो a धन b बराबर 0.98 धन 0.02। अगर मैं इन दोनों संख्याओं को जोड़ूं तो ये हो जाएगा 1, और मैं यहाँ पर मान सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर गुणा 1 लिखा है। तो इस प्रकार ये हो जाएगा 1 धन a धन b पूरे की घात 3। और इसका मान क्या हो जाएगा? इसका मान हो जाएगा 1 की घात 3 ऋण 1, मतलब यहां पर उत्तर हो जाएगा 0, जो कि मेरा ऑप्शन डी है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। और यहां देखिए, यहां है 1 की घात 3 धन b की घात 3, और यहां नीचे है a का वर्ग ऋण ab धन b का वर्ग। हम लोगों ने बहुत बार ये सवाल देखा है, तो अब हमें पता है कि ऊपर मिलेगा a+b, और a+b के लिए हमारा उत्तर हो जाएगा 0.08 और 0.02, मतलब 0.1, जो कि b है हमारा सही उत्तर। ठीक है, तो बढ़ते हैं। अब ये आज इस तरीके के सवाल देखे, इसके बाद में हम एक और स्पेशल पैटर्न देखेंगे। ये जो QR कोड है, ये मेरा YouTube चैनल का जो है QR कोड है। अगर आप ये वीडियो YouTube चैनल में ही देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप इन प्रश्नों के ऊपर बेस्ड टेस्ट दिलाना चाहते हैं या फिर और तैयारी अपनी मजबूत करना चाहते हैं, अगर आपको PDF चाहिए इन वीडियोज़ का, तो आप ये टेलीग्राम का जो चैनल है उसे जाओ ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का एड्रेस है, और ये QR स्कैन करते ही आप डायरेक्ट वहाँ पहुँच जाएंगे। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, और तब तक के लिए धन्यवाद।